बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने केपीपीएससी का जो अभी फिज़िक्स का पेपर हुआ है तो वो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस करना है। और दिस इज़ 2021 में तो जो पेपर हुए हैं अभी, तो वो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करनी है। अभी आपके सामने ये बुक नज़र आ रही है, तो केपीपीएससी ने इस साल इस बुक से काफ़ी सारे एमसीक्यूज को पिक किए हैं। सो इस बुक को अगर आप अच्छी तरह से कवर कर लो तो होपफुली आपकी नेक्स्ट टाइम ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो कौन कौन से एमसीक्यूज केपीपीएससी ने इस बुक से पिक किए हैं, सो वो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं। इससे आपको एक्चुअली दो एडवांटेज हो जाएंगे। एक ये फ़ायदा होगा कि कौन सा बुक से केपीपीएससी एमसीक्यूज को पिक कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास किस टाइप की एमसीक्यूज वो ला रही हैं, या बेसिक लेवल की एमसीक्यूज केपीपीएससी ला रही हैं टेस्ट में, या कोई एडवांस लेवल की एमसीक्यूज ला रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जितने भी टेस्टिंग एजेंसी हैं वो इस तरह नहीं कर रही हैं कि ख़ुद ही लाइक उन्होंने इस तरह नहीं किए हैं कि अपने साथ पीएचडी स्कॉलर्स को उन्होंने हायर किया और वही एमसीक्यूज वही पीएचडी स्कॉलर अपने एक न्यू क्रिएट हो एमसीक्यूज बना रहे हैं, बल्कि यही एमसीक्यूज होते हैं जो इन एमसीक्यूज बुक्स में होते हैं, इन्हीं एमसीक्यूज को वो पिक करके वहाँ पर टेस्ट में डाल देते हैं। तो ये उनके साथ डेटाबेस होते हैं, तो एनटीएस हो गया, एफटीएस हो गया, सीटीएस हो गया, एफपीपीएससी हो गया, केपीपीएससी हो गया, पीपीएससी हो गया, तो जितने भी टेस्टिंग एजेंसी है वो सारे इन्हीं बुक से पिक करते हैं। सो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि इस बुक से कौन से बुक से वो एमसीक्यूज को ला रहे हैं, और दूसरी बात है कि किस टाइप के एमसीक्यूज को वो टेस्ट में ला रहे हैं। तो चलो इस बुक में देख लेते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यूज केपीपीएससी ने इस बुक से पिक किए थे। अच्छा, इसमें एमसीक्यू नंबर 96, फोर मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड 2 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 किलोमीटर पर सेकेंड, 4 किलोमीटर पर सेकेंड एंड 5 किलोमीटर पर सेकेंड। द आरएमएस स्पीड ऑफ दिस मॉलिक्यूल इन किलोमीटर पर सेकेंड इज 54√2। सो इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है, ये एमसीक्यूज उन्होंने यहाँ से पिक किया था। नेक्स्ट हमारे पास ये 61 एमसीक्यूज है। The RMS velocity of the molecule of an ideal gas at STP is V. The gas is heated at constant volume till the pressure become double. The final RMS velocity is. तो इसमें आपको ये ऑप्शन करेक्ट है, 2√ times velocity. MCQ number 24. The work done by a gas during isothermal expansion depend on temperature, number of molecules, expansion ratio, molecular weight. सो इसका वो एक फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला के थ्रू अगर आप देख लो तो ये सारे ऑप्शन इसमें आते हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन होगा, और वो आपको ये गिवन भी होगा वहाँ पे ऑल ऑफ दीज। अगर गिवन नहीं है तो इसमें आप कोई भी एमसीक्यू टिक कर लो तो वो आपका आंसर सही कंसिडर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू 116। द थर्मामीटर सुटेबल फॉर मेजरिंग ए टेम्परेचर ऑफ अबाउट 2000 डिग्री एज गैस थर्मामीटर, मर्करी थर्मामीटर, वेपर प्रेशर थर्मामीटर, टोटल रेडिएशन पैरामीटर। सो इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टोटल रेडिएशन पैरामीटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द यंग मॉडुलस फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज 0, 1, इनफाइनेट, नॉन ऑफ दीज। सो इसमें इनफाइनेट आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द टाइप्स ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन ए सोनोमीटर वायर आर ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव, ट्रांसवर्स स्टेशनरी, लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट था, ट्रांसवर्स स्टेशनरी। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज ड्रिफ्ट डायनामिक लेफ्ट इज रिलेटेड टू बर्नौली थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, पास्कल प्रिंसिपल। तो इसमें बर्नौली थ्योरम इज द करेक्ट आंसर। The temperature at which the RMS speed of air molecule is double of that at STP is 819°C, 1092°C, 1192 Kelvin। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 819°C। इसमें 42 भी आया था, इफ़ द आर एम एस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 300 Kelvin इज 1930 meter per second, द आर एम एस स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 1200 Kelvin मस्ट बी 1930 meter per second, 965 meter per second, 3860 meter per second, 482.5 meter per second। तो ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन था।
क्वेश्चन नंबर 10, ए लिक्विड विल नॉट वेट द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज एक्यूट ऑप्टस 0 पाई डिवाइड बाई 2, तो दैट इज ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल आपका जो होता है दैट इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, और जो एक्यूट एंगल होता है दैट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट टाइम सी गोज इज मेनिस्कस ऑफ मर्करी इन ए कैपिलरी इज कनकेव कन्वेक्स प्लेन साइलेंट्रिकल, तो ये कन्वेक्स होता है। नेक्स्ट टाइम सी गोज इज If a liquid wet a solid surface, the angle of contact is 0, 90 degree, less than 90 degree, greater than 90 degree, तो इसमें ये less than 90 degree is the correct option. Question number 67 भी आया था, the force necessary to pull a circular plate of radius 5 cm from the surface of the water, surface tension 75 dyne per centimeter is given to you, is 30 dyne, 60 dyne, 750 dyne, 750 pi dyne. So this will be the correct answer, 750 pi dyne. Question number 35, theoretical value of Poisson ratio lies between minus 5 and 0.5, negative 0.5 and 1, minus 0.5 and 1, 0 and 0.5, minus 1 and 1, तो इसमें A option आपका correct था, minus 1 and 0.5. The operating principle of a hydraulic press is Pascal principle, Archimedes principle, Newton law of gravitational, Boyle's law. तो इसमें आपके ये ऑप्शन ए करेक्ट था, पास्कल प्रिंसिपल। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज फॉर ए गैस आर डिवाइड बाय सी इनटू वी इज इक्वल टू 0.67, द गैस इज डायटोमिक मोनोएटोमिक पॉलीएटोमिक ए मिक्सचर ऑफ डायटोमिक एंड पॉलीएटोमिक गैस, तो दिस इज डायटोमिक, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। द टेम्परेचर एट विच द रीडिंग ऑफ द फेरनहाइट थर्मामीटर विल बी डबल ऑफ दैट ऑफ ए सेंटीग्रेड थर्मामीटर इज 160 डिग्री, दैट इज 160 डिग्री। Option A will be the correct answer. Next MCQs is the excess pressure inside one soap bubble is 3 times that inside a second. The volume of the two bubbles are in the ratio of 1:9, 9:1, 1:27, 27:1. तो इसमें 1:27 आएगा। इसकी proper calculation है वो आप लोग पर कर लो, अगर समझ नहीं आता तो फिर मुझे comment section में बोल लो, मैं वो उसका सोल्यूशन आपको वहाँ पे बता दूंगा। एक्चुअली यहाँ पे वीडियो में पूरा सोल्यूशन देना काफ़ी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दे रहा। द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल साइज स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर फॉलिंग इन ए विस्कस लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² 1/r आर इंटू आर स्क्वेयर, ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, आर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 43, With the increase in temperature, the frequency of the sound from an organ pipe decrease, increase, remain unchanged, change erratically. तो इसमें आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा, increase. Question number 9, the soap of the liquid meniscus in a capillary tube placed in a liquid that does not wet the surface of the tube is concave upward, is flat, is convex upward, may be concave, convex or flat depending on the density of the liquid. तो इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, इज कन्वेक्स अपवर्ड। क्वेश्चन नंबर 49, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज इंक्रीज 3 टाइम द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी 3 टाइम 9 टाइम 3 स्क्वायर रूट टाइम 1 डिवाइड बाय 3 टाइम, तो इसमें 3 स्क्वायर रूट टाइम इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट टाइम सी गोज इज क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट टाइम सी गोज ऑफ दिस वीडियो, ए सॉप बबल सरफेस टेंशन 30 डाइन पर सेंटीमीटर इज गिवन टू यू हैज ए रेडियस 2 सेंटीमीटर, द वर्क डन इन डबलिंग द रेडियस इज 4525 arch, 2262 arch, 1130 arch, 9050 arch. तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 2262 arch. इसको मैं थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा कर लेता हूँ कि इसमें एक्चुअली एक फार्मूला यूज़ हुए हैं, और वो फार्मूला हमारे पास है कि आपका W दैट इज इक्वल टू टेंशन सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया एंड इनिशियल एरिया। सो आपका जो टेंशन है दैट इज गिवन टू यू 30 डाइन पर सेंटीमीटर, और इसमें ये फाइंड कर लो तो इससे हमारे पास 8 पाई 2 आर स्क्वायर हो जाएगा एंड नेगेटिव 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो डबलिंग द रेडियस, तो इस वजह से ये डबलिंग द रेडियस फाइनल एरिया मैंने इस वजह से यहाँ पे लिए। सो इसको आप
फिर सॉल्व कर लो इसको, आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, तो इससे आपके पास 30 × 8π, ये आप कर लो तो इससे आपके पास 3r² आ जाएगा, 3r². तो इसको आप फर्दर फिर सॉल्व कर लो तो इससे आपके पास 240π टाइम्स 3 × 1² हो जाएगा। तो इसको आप फिर फर्दर सॉल्व करो तो 720π अर्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डाइन पर सेंटीमीटर लिए तो उसी वजह से मैं यहाँ पे अर्ज यूनिट यूज़ कर रहा हूँ। इनको आप फिर 720 का 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो 2262 आपके पास आ जाएगा। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन एनी MCQs, प्लीज पोस्ट दैट MCQs नंबर इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू देयर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई दिस यूट्यूब चैनल।